हमले में जख्मी जदयू महिला नेत्री ने डीएसपी से लगाई गुहार। तेघड़ा बेगूसराय। तेघड़ा थाना अंतर्गत ग्राम दनियालपुर चक्का पहाड़ टोला वार्ड नंबर 20 में बीते सप्ताह 14 जुलाई को करीब 8:30 बजे सुबह में अपने घर में चाय पी रही वृद्धि सास एवं महिला पर जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ तेघड़ा थाने में इसकी लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन घटना के एक सप्ताह बाद भी घटना में शामिल 7 लोगों में मात्र 2 की गिरफ्तारी हुई। बाकी आरोपित खुलेआम धमकी देते हैं घटना को अंजाम देने में शामिल अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करने पर सोमवार को डीएसपी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता अनीता मिश्रा ने बताया कि 14 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर में चाय पी रहे थे। इसी क्रम में उमेश मिश्र पिता स्वर्गीय अखिलेश मिश्रा, छोटू उर्फ सुमित मिश्रा पिता उमेश मिश्रा, गोलू उर्फ अमित मिश्रा पिता उमेश मिश्रा, कुमकुम देवी पति उमेश मिश्रा सभी दनियालपुर चकपहार निवासी एवं छोटू पिता शिव कुमार मिश्रा सुजा बेगूसराय सहित कल 7 लोगों ने हरवे हथियार के साथ जान मारने के नियत से मेरे घर के अंदर घुसकर सभी लोगों ने चाकू और खंती हंसुआ रड लेकर हमला किया। हमले में मेरी सासू कमला देवी और मैं मेरे पति रंजीत मिश्रा पुत्र रंजन राज गंभीर चोटिल है। उन्होंने बताया कि उमेश मिश्रा पिता स्वर्गीय अखिलेश मिश्रा ने मुझे अर्धनग्न कर बुरी नीयत से शरीर को स्पर्श किया और मेरे ढाई भर के सोने का चैन गला से तोड़ लिया, साथ ही घर में रखा नकदी भी ले लिया। इतने के बावजूद एक सप्ताह बाद भी अन्य आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने की बात उसने डीएसपी को बताई कि सासू माँ और मुझे सिर में चोट के कारण हालात ठीक नहीं है एवं घाव के साथ कभी कभी चक्कर भी आ रहा है। उक्त पीड़िता महिला अनीता मिश्रा जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश उपाध्यक्षा भी हैं। साथ में एमएलसी प्रतिनिधि विनोद कुमार मिश्रा, जिला जदयू महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा लक्ष्मी देवी, प्रखंड नेत्री निशा कुमारी आदि ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर महिला प्रदेश नेतृत्व सुरक्षित नहीं रहे तो आम महिला की सुरक्षा की क्या गारंटी प्रशासन कैसे करेगी। इन्होंने सभी आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की। एक मेरे छत के ऊपर छेद किया और पानी बहा रहा था और मेरे हस्बैंड उस नाला को सिर्फ बंद किए, उसके वजह से ये लोग प्री प्लानिंग बहुत दिनों से किए हुए था और ये लोग घर में घुस के जबरन धार धार हथियार जैसे कि चाकू है, फाइटर रड, खंती, इस तरह का हथियार से वो हम पे प्रहार किया। हमारा बेटा सो रखा था, सुबह 7 और 8 के बीच की बात थी, चाय पी रहे थे और मेरे बेटा के साथ भी पूरी तरह से उसको जानलेवा मारने का प्रयास किया, गमछा से फांसी लगाने का प्रयास किया। जब मेरी सासू माँ आगे आई तो सासू माँ के माथे में चाकू मारा और नाक पे फाइटर से मारा। सासू माँ जब गिर गई, सासू माँ को लेने के लिए उठाने के लिए आए तब हमारे ऊपर चाकू का प्रहार किया। सर पूरी तरह से वो हमारे पूरे परिवार को मारने के मकसद से मेरे घर में घुसा, जिसमें उसका दोनों बेटा, दोनों दामाद और एक उमेश मिश्रा जो खुद उसका पिता है, और उसकी पत्नी, उसकी बेटी जो प्रीति कुमारी है, और उसका एक फूचो और कन्हैया, ये सभी ने मिलकर तरह तरह के हथियारों के साथ पूरे परिवार को मारकर घायल कर दिया। और उस परिस्थिति में सर जब हम थाना गए तो थाना भी केस लेने से इनकार कर दिया, बोला पहले हॉस्पिटल जाइए, इंजुरी कराइए, उसके बाद हम इस केस को दर्ज करेंगे। और जब वहां से इंजुरी करा के आए तब केस को दर्ज कराए। सर हम सिर्फ इतना कहना चाहते कि हमारी सरकार एक तरफ महिलाओं की मान सम्मान की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी महिलाओं को सरेआम रोड पे खींच के मारा जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके साथ छेड़खानी किया जाता है। और जब प्रशासन को फोन करते हैं तो प्रशासन कहता है कि आप मोबाइल नंबर ले लेते हैं और बिना मतलब का फोन करते हैं। सर अगर पीड़ित लोग अगर थाना नहीं फोन करेंगे तो कहाँ फोन करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि मेरी इस बात को माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के बेगूसराय के एसपी तक मेरी बात जाए, डीएसपी तक मेरी बात जाए और मुझे न्याय मिलना चाहिए। सर मैं आप लोगों से गुहार लगाती हूँ। जी मेरा नाम अनीता मिश्रा हुआ और प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू महिला प्रकोष्ठ से है और घर मेरा दनियालपुर चकपहाड़ है, 13 वार्ड नंबर।